forget to subscribe to our channel. Press the bell icon, like, comment, share this video. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो हर कोई पसंद करता है, हर किसी का दिल करता है कि ये ज़रूर बनाए घर में, और तकरीबन हर घर में ये चीज़ बनती है। मैं आज आपको सूजी का हलवा बनाने का तरीका बताऊँगी, और बहुत ही आसान तरीका होगा वो, और आप आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हमें सूजी की ज़रूरत है, एक कप सूजी, डेढ़ कप चीनी, येलो कलर देने के लिए अगर आप कलर नहीं देना चाहते बेशक ना डालें, तीन इसके लिए छोटी इलायची की ज़रूरत होगी। और जी, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने बॉयल होने के लिए पानी चढ़ाया है, तकरीबन ये चार कप के करीब पानी है। चार कप आपने इसमें पानी डालना है, उसमें आप ये इलायची डाल दें ताकि खुशबू इसके अंदर आए, और इसको आप थोड़ा सा गर्म होने दें। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो तो इस थोड़ा सा जैसे ही बॉयल होगा तो इसके अंदर हम शुगर का एडिंग कर देंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में बग़ैर ऑयल के मैंने ये डाला है, सूजी डाली है, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउन करूँगी, ये अब इसको मैं ऐसे ब्राउन करती जाऊँगी। जी, इसको आपने ये कलर इस तरह जैसे आएगा, इस तरह से तेज़ कलर आएगा, तो आपने इसको ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि हम इसको बगैर घी के इसको हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको हिलाते रहना है। देखिए ये हल्का हल्का कलर अभी आ गया है। और दूसरी तरफ नर्दा रंग इसके अंदर शामिल करूँगी, पिंच, बस पिंच से ज़्यादा नहीं, ठीक है, ताकि ये इससे कलर ज़रा अच्छा आएगा, मेरा कलर बहुत अच्छा इससे आएगा। और आप इसमें जैसे ही देखें कि जैसे धुएँ हल्के से आ रहे हैं, ये देखें, तो मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप शुगर जितनी भी डाल सकते हैं। मैंने डेढ़ कप डाली है, आप चाहें तो आप डेढ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके अपने ऊपर है जितना आप मीठा पसंद करें, लेकिन मैंने मीठा मुनासिब डालने के लिए डेढ़ कप डाली है, ठीक है। इसको हम मेल्ट होने देंगे ताकि ये हमारी बिल्कुल चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और ये शीरा तैयार हो जाए। ये हम शीरा तैयार करने का तरीका आपको बता जी, ये आप देखें, ये हमारा कलर तकरीबन लाइट ब्राउन सा शेड ये देखें आ रहा है, बहुत ज़्यादा भी इसको ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी, तकरीबन एक चम्मच, बड़ा चम्मच है एक, ठीक हो गया। और अब मैं इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मैं ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं अच्छा लगता। जी ये देखिए, इस तरह से जैसे कलर इसका आ गया है, अब इसमें हम इसे ऐड कर लेंगे और इसके साथ चम्मच चलाते जाएंगे। थोड़ा सा एहतियात से पानी डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तेमाल करना है, एक साथ इतना सारा पानी नहीं डालना, और अपने आप को इसके छींटों से बचाना है। ये देखें, इस दौरान में आप इसके अंदर किशमिश और खोपरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि हर किसी की पसंद होती है, कोई इस तरह इस्तेमाल करना भी पसंद करता है। इसके अंदर आप खोपरा पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं जब बनाऊंगी तो आपको एक नई रेसिपी बताऊंगी हलवे की, जिसमें आप मैदे का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें खोपरा भी डलेगा और खोपरा पाउडर भी डलेगा, वो बहुत मज़े का हलवा होता है,
वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैंने ये वाला भी हलवा आपको इसलिए बताया है सादा कि हर किसी की पसंद के ऊपर होता है, कोई मैदे वाला नहीं भी पसंद करता, सिर्फ सूजी का ही पसंद करता है। तो इसलिए आपके पास दो तरह के हलवे आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी, ये पके पकता रहे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डालेंगे, ना करो भी ना करो। जी ये देखें, ये इतना चीटे उड़ना शुरू हो गए हैं। अभी मैं इसमें पानी और थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि इसके जितनी हमने पानी ऐड करेंगे उतना वो उसकी सूजी जो है ना वो पकेगी। अभी इसने सारे ने गाढ़ा हो जाना है। पानी डालते वक्त आपने इस चीज़ का डर नहीं करना कि जी हलवा पतला हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। पानी का इस्तेमाल आप 4 कप किया है तो आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से ये है कि सूजी आपकी कच्ची नहीं रहेगी और ज़्यादा मज़े का हलवा बनेगा। तो जी ये देखें, यह हल्का सा ऊपर ढक्कन इसलिए रखा हुआ है ताकि इसके जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आए और आपको नुकसान ना हो। ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देखें आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि इसमें ये देखें बुलबुले से आ गए हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। ये हमारा तैयार है। ये देखें इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खोपरा स्प्रिंकल कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के लिए। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं और आप बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं, कोई इसमें मना नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। लेकिन ये देखें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।